उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर कार्रवाई को लेकर या फिर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से क्राइम खत्म होने के दावे किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, विपक्ष को क्या दो टूक उनका जवाब है, ये सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जितने दुर्दांत माफिया थे या तो जहन्नुम में चले गए या फिर प्रदेश छोड़कर के सदैव के लिए मुक्त हो चुके हैं। ये सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अपने चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। डॉक्टर खान, मुख्यमंत्री यही कह रहे हैं कि हमारे रास्ते क्लियर है, हमको पता है हमें क्या करना है। आप देश की कीमत पर राजनीति करते हैं और हम देश के लिए राजनीति करते हैं, और यही फर्क है, इसीलिए बीजेपी सवाल पूछ रही है, पश्चिम बंगाल पर सवाल क्यों नहीं? देखिए अनामिका जी, अभी मैं देख रहा था कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे साहब क्राइम खत्म हो गया, आतंकवादी घटनाएं खत्म हो गई। मैं जरा एक आंकड़ा देना चाहूंगा, वो नोट कर ले। पहली बात तो इन्होंने बहुत बुलडोज किया इस हिंदुस्तान में, 2 साल में 150,000 मकान को बुलडोज किया है। इतना घर गिराने के बाद हालात क्या है, और जिसमें मैक्सिमम जो बीजेपी जहां जहां शासित प्रदेश है वहां ज्यादा घर गिरे। एक बात आप देखिए कि मोदी राज में 93% जम्मू और कश्मीर में शहीद होने वाले जवानों की संख्या बढ़ी है, ये रिपोर्ट है, इनको पता नहीं है, यानी आतंकवादी घटना बड़े लेवल पर बढ़ी है। एक बात आप जानिए कि एनसीआरबी का आंकड़ा है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन 4% 22वीं रिपोर्ट आया है, 21 के कंपैरिजन में 4% बढ़ गया। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन 8.7% बढ़ गया, क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन 9.3% बढ़ गया। आप कह रहे तो सब घट गया, आप घर गिरा रहे, सब क्राइम खत्म हो गया, क्राइम खत्म नहीं हो सकता। आप अगर जस्टिस पे न्याय पे आप बुलडोजर चला रहे हैं, क्राइम नहीं खत्म कर सकते। क्राइम खत्म करने के लिए आप कोर्ट को मजबूत करिए, जस्टिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, कोर्ट कचहरी को मजबूत करिए, जजेस की संख्या बढ़ाइए, वहां पर न्यायालय में सही तरीके से पैर भी होनी चाहिए। घर गिरा करके आप न्याय दिला रहे हैं। और एक बात आप समझिए, बार बार कहा जा रहा साहब मुसलमान, भाई घर चाहे वो मुसलमान का गिरे चाहे वो हिंदू का गिरे, घर नहीं, घर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, क्योंकि एक घर जब आप गिराते हैं किसी के ऊपर आरोप लगा करके तो उसका पूरा परिवार सफर करता है, उसके रिश्तेदार नातेदार सफर करते हैं, वो दोषी नहीं है। जो दोषी है उस पर आप आरोप सिद्ध करिए, कोर्ट में जाइए, ट्रायल करवाइए, उस पर बाकायदे पैरवी करिए। ये करने के बजाय आप तानाशाही कर रहे हैं, घर गिरा दे रहे हैं। इस तरीके से जो ये मॉडल तैयार किया जा रहा है, ये यकीनन ये तानाशाही का मॉडल है और इससे देश नहीं चलेगा। देश चलता है रूल ऑफ लॉ से, और ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये तो आपने रूल निकाला है। इसका मतलब वही दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, यही समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में अंतर है, वो तो विचारधारा का अंतर बता रहे हैं। आ रही हूँ, तुम्हें जी आ रही है, बस जरा जवाब ले लो फिर आ रही हूँ। अरे अनामिका जी, पहले अपनी विचारधारा बदलो, आप अपनी विचारधारा ये बदलो। सुनो, आप बताओ क्या बुलडोजर से न्याय हो सकता है? आप बताइए, आप सीनियर पत्रकार हैं, क्या बुलडोजर न्याय का प्रतीक हो सकता है? मामला कोर्ट में है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। कि जस्टिस होगा न्यायालय से, जस्टिस होगा न्यायालय से, कोई सरकार न्याय नहीं कर सकती है। आप समझिए अनामिका जी इस बात को, बीजेपी फैसला करेगी, फैसला बीजेपी कोर्ट है क्या, फिर कोर्ट को क्या मतलब रहेगा, कोर्ट कचहरी का क्या मतलब? ठीक है, तुहिन सिन्हा आप जवाब दें, तुहिन सिन्हा जवाब देंगे, फिर मैं आपको इसीलिए अश्विनी जी बैठे हैं, फिर इनकी क्या जरूरत है? मैं बस हैरान हूँ, ये जो डेटा लेकर आए हैं ये कहाँ से लेकर आए हैं? इन्होंने कहा कि कश्मीर में जो है, कश्मीर में 70% इंक्रीज हुआ है शहीदों की, ये कहाँ से डेटा लेकर आते हैं? लाहौर टाइम से लेकर आते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं? क्योंकि कश्मीर में मैं आपको बता सकता हूँ 75% रिडक्शन हुआ है टेररिस्ट एक्टिविटी में, और अगर एक साल की बात छोड़ दें
एक साल के बाद छोड़ दे तो वो 90% रिडक्शन होता। आप कहां से ये डेटा लेकर आते हैं कि कश्मीर में 80% इजाफा हुआ है शहीदों में? आप, मैं कह रहा हूं ना, आप कोट करिए, कहां से लेकर आए ये डेटा करके आया करो। आप कह रहे हैं एनसीआरबी का डेटा है, कौन सा, कहां से लेकर आते हैं ये डेटा? ये मैं जो बोल रहा हूँ आंकड़े के तहत बात करता हूँ। आप रिपोर्ट सुनिए, मैं बता रहा हूँ कहाँ से है। मैं बता रहा हूँ, कह रहा हूँ जो बयान गृह मंत्री ने लोकसभा में दिया, आप बताइए कहाँ से लेकर आए हैं। अरे मैं कह रहा हूँ सुनिए ना, अरे तुरीन जी सुनिए ना, आप सुन लो। आपने पूछा कहाँ से लाए हो, मैं कह रहा हूँ 14 जून 2024 के आज तक के वेबसाइट पे है, आप देखिए उनका उनका लिंक है, आप पढ़िए 14 जून 2024 आज तक, उस लिंक को पढ़ लो आप। और बल्कि यही आज तक में नहीं है, आपके रिपब्लिक भारत में भी मिल जाएगा, आपके जी न्यूज में। मैं पूछ रहा हूँ किसी को कोट कर रहे हैं, नहीं, आप अपनी बात कोट कीजिए, आप अपनी रिपोर्ट कोट जम्मू कश्मीर में, डॉक्टर खान आप अपनी रिपोर्ट कोट कीजिए, अगर आपके पास फैक्ट्स है आप अपनी बात कीजिए, किसी चैनल का नाम नहीं, किसी चैनल का हवाले की बात मत कीजिए। इतना अपने समाजवादी पार्टी के मित्र से इतना अनुरोध करूंगा कि अगर आज आपके शो पर यह प्रतिज्ञा ले ले कि आइंदा मोहित खान जैसे लोग को बचाने का काम नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है कि हमारा भी हृदय परिवर्तन हो, हम भी बुलडोजर एक्शन पर पुनर्विचार करें। लेकिन जब तक मोहित खान जैसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होगा तब तक इस देश को बुलडोजर की आवश्यकता महसूस होगी। अश्विनी जी, इसके पहले जब भी जमीयत उलेमा हिंद कोर्ट गया है, कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं और साफ कहा है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, लीगल कंस्ट्रक्शन होगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन जमीयत के वकील कोर्ट में यह दलील देते हैं कि प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में, पिक एंड चॉइस की तरह व्यवहार हो रहा है। क्या मतलब है इसका? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हैं और अवैध एनक्रोचमेंट पाते हैं और आपने न्यायिक प्रक्रिया का, जो लोकल गवर्नेंस लॉज, जो म्यूनिसिपल लॉज हैं, उनका पालन किया है तो रिमूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने नहीं किया है, आपको नोटिस नहीं दिया है, उनको सुना नहीं है तो ये अवैध है। देखिए, दो बातें बड़ी क्लियर हैं यहाँ पर, डेमोलिशन ऑफ अ हाउस एंड रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट फ्रॉम पब्लिक लैंड, दीज टू आर बोथ डिफरेंट थिंग। अगर घर का डिमोलिशन हो रहा है वो नहीं हो सकता है अगर वो सही तरीके से बना है, लेकिन एनक्रोचमेंट रिमूवल हो रहा है वो किसी भी समय हो सकता है अगर नोटिस दिया है। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है, पब्लिक अथॉरिटीज को सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है, एक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने म्यूनिसिपल कमेटी करनाल वर्सेस निर्मला देवी के केस में कहा कि एवरी स्ट्रीट विच इज अ पब्लिक स्ट्रीट वेस्ट इन द म्यूनिसिपल कमेटी एंड इफ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इज मेड बाई एनक्रोचिंग ऑन इट, द म्यूनिसिपल कमेटी हैज अ पावर टू हैव द अनऑथराइज एनक्रोचमेंट एंड कंस्ट्रक्शन रिमूव्ड। दूसरा कहा है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन ऑन पब्लिक लैंड इज अ मीनेस, इट नॉट टू बी टॉलरेटेड। तीसरा कहा है डेमोलिशन ऑफ अ हाउस, रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट, इफ देयर इज एन एनक्रोचमेंट दैट हैज टू बी डेमोलिश्ड। चौथा कहा है, आप जहांगीरपुरी के केस में भी आप देख लीजिए कि फॉर द पर्पज ऑफ फुलफिलिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दोज इनैक्टमेंट टू रेगुलेट द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इन द सिटीज टू मेक प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज, रिमूवल हैज टू बी डन इफ इट इज अनऑथराइज्ड। अब ये बात ये जरूर है कि अगर लिंक उसका आ जाता है, जब वो अपराध करता है उसी समय पता चलता है अरे इसने तो अपराध से अर्जित करके संपत्ति ये बनाई है तो उसको उसी समय डिमोलिश किया जाएगा। अगर मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार, अगर सुनवाई का मौका नहीं दिया।